हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शागुरदीप में आप सबका वेलकम है। तो आज मैं आपको गोपाबंधु हॉस्टल दिखाऊंगी, जो आरआई कैंपस है उसी का हॉस्टल है। एक हॉस्टल है और एक है आशुतोष और एक रामानुजन। तो गोपाबंधु में मैं रहती हूँ और यहाँ पे मेरे साथ बीएड के भी मेरे जो बैच है बीएड साइंस, बीएड आर्ट्स और इसके अलावा इंटीग्रेटेड वाले भी रहते हैं। तो हमें गोपाबंधु अलॉट किया गया था 2022 में, हम लोग जब एडमिशन लिए तो हमें गोपाबंधु मिला है। तो गोपाबंधु के बारे में ये कहना चाहती हूँ, ये सबसे पुराना हॉस्टल है और यहाँ में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं। पुराना होने के कारण ये सबसे ज़्यादा फेमस भी है और बहुत सुंदर भी है हॉस्टल। तो हमें गोपाबंधु मिला है, तो मैं आज आपको गोपाबंधु हॉस्टल दिखाऊँगी कि कैसा है गोपाबंधु हॉस्टल। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आरआई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डालूंगी, मतलब कैसे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। आरआई का अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उन लोग प्लीज़ मेरे लाइक कमेंट ज़रूर करिए मेरे चैनल में कि कैसा लगा आपको वीडियोज़। तो और इसमें मैं आपको पूरा आपका रूम से लेके मेस से लेके जो मेस के जहाँ में बनता है कुकिंग होता है वहाँ देन वॉशरूम में सब दिखाऊंगी आपको। तो आपको पूरा हॉस्टल के बारे में नॉलेज हो जाएगा। जो भी आने मतलब 2023 में जो एडमिशन के बच्चे आएंगे गोपाबंधु में तो उन लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे टाइम मेरे टाइम पे तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि नहीं था इसके ऊपर अच्छा वीडियो। पूरा हॉस्टल के जो गोपाबंधु हॉस्टल के ऊपर जो भी मुझे जानना था कुछ मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ गोपाबंधु हॉस्टल। जो आएंगे गोपाबंधु हॉस्टल मेरे चैनल में देख सकते हैं पूरा हॉस्टल। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, यहाँ से शुरुआत होता है गोपाबंधु हॉस्टल का जो मेन गेट है वो। तो ये है गेट, देखिए यहाँ पे लिखा भी है गोपाबंधु हॉस्टल। तो ये है गोपाबंधु का जो मेन गेट। तो सबसे पहले आता है ये गार्डन। तो अभी यहाँ पे फूल नहीं है, जब मैं आई थी तब यहाँ पे बहुत सारे फूल के पौधे लगे थे, फूल भी था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये रहा, और गोपाबंधु के चारों साइड बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर ही आपका गोपाबंधु हॉस्टल है, क्योंकि यहाँ पे तीन हॉस्टल है, गर्ल्स के और एक बॉयज़ के, बॉयज़ का एक है, तो टोटल चार हॉस्टल है यहाँ पे। तो ये गोपाबंधु हॉस्टल का जो फ्रंट गेट, मतलब गेट के वहाँ से ऐसा दिखता है गोपाबंधु हॉस्टल, बाहर से देखिए। यहाँ में टोटल तीन फ्लोर भी है और तीन ब्लॉक है, तो एक एक ब्लॉक में तीन फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर, बी फर्स्ट फ्लोर एंड बी टॉप, वैसे ही ए ग्राउंड फ्लोर, ए फर्स्ट फ्लोर और ये ए टॉप फ्लोर, वैसे ही सी का भी सेम है। तो ये जो है आप देख रहे हैं ये बी ब्लॉक है, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से शुरुआत है। तो ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका बी ब्लॉक और इसके बाद है सी ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक का स्टार्ट होता है, सबसे पहले आता है वहाँ पे आपका जो है कॉमन रूम, एक छोटा सा हॉल रूम टाइप है। तो कॉमन रूम आपका राइट साइड में जब आप एंट्री करेंगे और लेफ्ट साइड में आपका स्टार्ट होता है ए ब्लॉक का, जो भी रूम्स हैं वो आपका लेफ्ट साइड में है। तो देखिएगा इस कितना बड़ा गार्डन है, यहाँ में भाई ना लोग सब्जी भी उगाते हैं वो साइड में। तो ये है सेकंड गेट, जहाँ से एंटर करने के साथ साथ ही हॉस्टल शुरू हो जाता है। तो ये रहा कॉमन रूम, ये कॉमन रूम है, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये कॉमन रूम है, टीवी है, वाईफाई है, तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे छोटा सा जगह है, तो यहाँ पे है मिरर। तो उसके बाद लेफ्ट साइड में ये रहा आपका रूम, ए फ्लोर, जो ए फ्लोर मतलब एक ए ब्लॉक का जो भी रूम्स है यहाँ पे है।
ये रहा ये ब्लॉक का सारा रूम। देखिए यहीं से स्टार्ट होता है रूम नंबर 1। ये है ये ब्लॉक का सारा रूम। इसी के ऊपर आपका ए फर्स्ट फ्लोर एंड उसके बाद ए टॉप, तो इसी के ऊपर है, सीधी सीधी ऊपर में ही है। उसके बाद यहाँ से हम सामने जाएंगे तो यहाँ पे एक देखिए पुल है जिसमें मच्छी अभी साफ़ नहीं किया है पर साफ़ होते रहता है, ये बारिश की वजह से ऐसा हालत है। देखिए इसमें मच्छी भी है और आम पेड़ देखिए गाइस, आपको यहाँ आने से टेस्टी टेस्टी आम खाने को मिलेंगे। तो ये है आपका बी फ्लोर। तो तीन ब्लॉक है, मैंने तीन ब्लॉक में बी जो आपका ब्लॉक है ये है और इसमें बी के जितने भी फ्लोर से यहीं पे है, बी ग्राउंड, बी फर्स्ट, बी टॉप। तो ये ऊपर में है टॉप, ये बी फर्स्ट एंड ये बी ग्राउंड। उसके बाद यहीं से है हमारा मेस। तो ये है मेस, यहीं पे हम सब जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ पे बैठते हैं भाई ना लोग। तो यहाँ है जो पानी का क्या बोलते हैं इसको, ये है वाटर फिल्टर, यहीं से सब पानी भरते हैं। तो आपको ये दो जगह मिलेगा, एक ए ग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर में है जो ऊपर है और ये है और एक, तो यही दो जगह से बच्चे पानी लेते हैं, जहाँ ठंडा पानी भी मिलेगा आपको। और ये रहा जहाँ पे फाइनल लोग जो भी लंच डिनर सर्व करते हैं हम लोगों को, यहीं में बैठ के देते हैं फाइनल लोग। और वो जो डोर देख रहे हैं वो डोर के बाद ही वहाँ का किचन है जहाँ में उन लोग कुकिंग करते हैं। तो ये देखिए बी फ्लोर का सारा जो भी रूम्स है यहाँ पे है और उसके ऊपर बी फर्स्ट देन बी टॉप का इसी तरह है रूम्स। और आपको कॉर्नर में मिलेगा बाथरूम, बाथरूम डायरेक्ट कॉर्नर में है। तो सारे रूम्स ब्लॉक में ऐसे ही कॉर्नर में बाथरूम है। और ये रहा छोटा सा जो क्या बोलते हैं, यहाँ में कुछ भी प्रोग्राम होने से यहीं पर होता है। देखिए स्टेज भी बना हुआ है, ये छोटा सा जगह है जहाँ में प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, देन स्पोर्ट्स होता है यहाँ पे, हमेशा कुछ ना कुछ कंपटीशन होते रहता है, जैसे स्पोर्ट्स इवेंट होता है, कल्चरल नाइट होता है, देन आपका हॉस्टल नाइट होता है, सब यहीं पे होता है, कंडक्ट करते हैं ये जगह पे, बहुत अच्छे से होता है। जो देन यहाँ से जाओ वो रहा आपका, ये है आपका सी ब्लॉक। तो सी ब्लॉक का फर्स्ट या सी ग्राउंड, सी फर्स्ट एंड सी टॉप। तो अब देख ही रहे हैं, यहाँ हमें हम लोग अपना जो थाली है वो धोते हैं, जो भी अपना बर्तन उर्तन मतलब खाते हैं वो यहाँ से धोते हैं। तो ये है हमारा मेस। तो देखिए यहाँ पे कल का जो ब्रेकफास्ट का तैयारी कर रहे हैं, कल डोसा मिलने वाला है। और वो रहा भाई ना, देखिए भाई ना अभी चाय बना रहे हैं। ये राजेश भाई ना है, आप लोग पहले भी देखे हैं मेरे ब्लॉग में, यहाँ पे खाना बनाते हैं देखिए। और ये है यहाँ में चाय बन रहा है, और वहाँ रात के लिए दाल बन रहा है यहाँ पे, और ये चाय अभी जो मिलेगा चाय। और वो कल के लिए डोसा के लिए मैंने दिखाया है, वो डोसा के लिए कल का, कल सुबह लंच सॉरी ब्रेकफास्ट में डोसा मिलेगा। और यहाँ पे भाई ना लोग अपना जो भी सामान खाना उना रखते हैं, तो अभी इन लोग बनाएंगे, उसको धो के बनाएंगे, उसके बाद फिर से रूम किचन साफ कर देंगे। चलिए अगर कुछ हेल्प चाहिए तो उन लोग से हम लोग ले सकते हैं, और भाई ना लोग हेल्प करते भी हैं। और मेन चीज़ जो आपको दिखाती हूँ मैं वो है ऑफिस रूम और लाइब्रेरी।
जो मेन है हमारे लिए, अगर किसी को छुट्टी चाहिए होता है तो वहाँ हम लोगों को एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो ये है लाइब्रेरी जहाँ से आपको बुक्स अवेलेबल होगा 2 दिन सप्ते में, वेनसडे और संडे में भी। तो यहाँ से आपको बुक होगा, अभी तो ये खुला नहीं है, मैं आपको कभी बाद में दिखा दूँगी अंदर कैसा है। और ये रहा ऑफिस रूम, तो यही मेन है जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो ये देखिए, ये है ऑफिस रूम, ये ऑफिस रूम है जहाँ एक कंप्यूटर है, तो शायद अभी यूज़ नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए एप्लीकेशन रखा हुआ है, जो भी छुट्टी में जाने वाले अगर उनको साइन करवाना है तो यहाँ एप्लीकेशन रख देते हैं और मैम साइन करके देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लेके जाते हैं कॉलेज लेके जाते हैं और उसको हम लोग साइन करा के देन रिटर्न फिर हम लोग हॉस्टल में सबमिट कर देते हैं, देन हम लोग का छुट्टी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यही है गोपाबंधु हॉस्टल। तो रूम दिखा देती हूँ, ये है एक रूम, देखिए रूम पे क्या क्या अवेलेबल होता है। आपको 3 बेड मिल जाएगा, 2-3 चेयर और 3 टेबल मिल जाएगा, और उसके साथ आपको मिलेगा एक अलमारी। तो ये है अलमारी, देख ही सकते हैं। तो 3 पर्सन के लिए 2 अलमारी मिलता है यहाँ पे, तो यही आपको मिलेगा एक रूम में। तो रूम बढ़िया ही है, बड़ा भी है। और तो देखिए, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको बाथरूम कैसा है यहाँ का। तो ये है बी ब्लॉक, यही है मेरा रूम 111। मैं दिखाऊंगी आपको मेरा रूम, तो मैं पहले आपको बाथरूम दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको कहा ही है कि बाथरूम सबसे लास्ट में होता है। तो ये रहा वॉशरूम जो सबसे लास्ट में है, मैं पहले ही कही कि हर फ्लोर में ऐसे ही लास्ट में है। तो देखिए इसमें आपको 3 बाथरूम है और 4 नहाने का जो है रूम मिलेगा आपको, 4 नहाने का है और 3 वॉशरूम्स है। तो देख ही रहे, और बहुत साफ़ सुथरा है, आंटी लोग साफ भी करते हैं। और बाथरूम से निकलते ही डस्टबिन, जो भी रूम का कचरा है ये डस्टबिन में डालना होता है, बाथरूम का डस्टबिन में नहीं यूज़ करना। तो उसमें से बाथरूम का जो भी ये गंदगी उसको भी यूज़ करते हैं फेंकने के लिए, और बाहर जो रूम के बाहर जो डस्टबिन लगा होता है उसमें रूम का जो भी डस्ट वस्ट कचरा हो वो सब आप लोग फेंक सकते हो। तो ये है गोपाबंधु हॉस्टल। आपका टेरेस जो लास्ट पार्ट है हॉस्टल का, ये टेरेस है जहाँ पे आप शाम को घूम सकते हो, सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। ये जगह सबसे अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पे बैठना शाम को मुझे अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो ये है इतना बड़ा टेरेस, और यहीं पे जो भी कुछ मीटिंग वीटिंग रखते हैं सीनियर्स लोग या फिर कोई भी मीटिंग्स रखते हैं तो यहीं पर होता है, ताकि बच्चे आराम से बैठ भी जाते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हम लोग बैठ जाते हैं सब, देख रहे हैं ना। तो इसलिए यहीं पे वो मीटिंग कंडक्ट कराते हैं, अगर कुछ भी मीटिंग होता है तो इश्यूज़ को लेकर, कुछ भी लेकर अगर कोई भी मीटिंग होता है यहीं पे कंडक्ट होता है। और एक खूबी यहाँ का ये है कि हमारे हॉस्टल में बहुत सारे डिफरेंट तरह के आम मिलते हैं, तो आम के सीज़न में अच्छा आम खा पाओगे आप लोग। तो कपड़ा जो भी सुखाना होता है, यहाँ में तार लगा है तो आप लोग यहाँ में सुखा सकते हो टेरेस में। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, क्योंकि मैंने पूरा पार्ट इसमें दिखा दिया है आपको हॉस्टल का जो भी है, कि रूम से लेके वॉशरूम सब कुछ ही दिखाया है मैंने, किचन मैस सब दिखा दिया है। तो टाटा गाइस, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, तो जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। टाटा गाइस।